5 मिनट लगा के एआई की मदद से मैंने ये लोगो डिजाइन किया और सेम लोगो मैंने 15 प्रोडक्ट्स पर लगा दिया, जिसमें टी शर्ट्स, बैग्स और मग वगैरह भी शामिल हैं। और एक एक प्रोडक्ट से मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा $6, $6, $1, $3, $4। अब ये सब कुछ कंपनी का है, मेरा काम था जस्ट यहाँ एआई की मदद से ये लोगो बनाना और यहाँ पे लिस्ट कर देना, बस काम खत्म और मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। अब एक कंपनी है जिसका नाम है टीस्प्रिंग। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के होते हैं, ये टी शर्ट्स, मग्स और सब कुछ इस कंपनी का होता है। हमारा काम ये होता है कि हमने एक लोगो बना के जस्ट हमने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। अगर हमारा लोगो लोगों को पसंद आता है तो वो यहाँ से ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर जाएगा सीधा टीस्प्रिंग के पास। टीस्प्रिंग इसको प्रिंट करेगा और उस पर्सन तक पहुंचा देगा जिसने ये ऑर्डर किया है। हमारा काम है जस्ट ये लोगो बना के ऊपर चिपका देना। इस काम की मदद से आप जस्ट एआई की मदद से $1200 से $1500 तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कोई प्रूफ चाहिए तो आपको बड़े बड़े चैनल्स, वेरीफाइड चैनल्स आपको इसके बारे में वीडियोस बनाते हुए नजर आएंगे। और ये मेरा खुद का फेवरेट बिजनेस मॉडल है और ये टीस्प्रिंग वेबसाइट इतनी मशहूर है कि यूट्यूब ने भी इसको अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर लिया है। कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान में भी लोग यूट्यूब पर ये प्रोडक्ट सेल करते हुए नजर आएंगे। इसके ट्रैफिक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसका ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट से आता है और दूसरे नंबर पे 15% 16% ट्रैफिक इसका इंडिया से आता है। इस पर मेन जो काम होता है वो होता है टी शर्ट को डिजाइन करना। अब डिजाइन करना, अगर आप डिजाइनर नहीं है, अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फुली टीस्प्रिंग के अलावा बहुत सारे और भी अकाउंट्स हैं जिनको आप रन कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल की मुझे सबसे फेवरेट बात जो लगती है वो ये है कि इसको एक बार हमने इस पे काम करना है, एक बार हमने अपना लोगो बनाना है और उसके बाद हमने कोई भी काम नहीं करना। यहाँ पे सेल होती रहेगी और हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। हमारा कोई भी काम नहीं, हमारा जस्ट 5 मिनट का काम होगा जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये 3 स्टेप्स की मदद से हमने इस पे काम करना है, बहुत ही इजी तरीके से हमने काम करना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट हमारा काम ये होगा, मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट जनरेट किया, यहाँ पे मैंने इस एआई को दिया, इसने मुझे यहाँ पे 4 लोगो जनरेट करके दे दिए। इनमें से मैंने एक पिक कर लिया और इस लोगो को फोटोशॉप की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और यहाँ पे लगा दिया। अब ये काम है टोटल, बस ये काम मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई और काम नहीं आता, आप यूट्यूब चैनल रन नहीं कर सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, कंटेंट नहीं लिख सकते, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है डोमेन बाय करने के लिए, तो ये दूसरा काम है जो कि सबसे फेवरेट है मेरा और 100% ऑथेंटिक काम है। ये काम आप कर सकते हैं और आप लाइफ टाइम तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपका काम ये होगा कि आपने दिन में 10 से 15 लोगो बना के आपने लगा देने हैं 10 से 15 प्रोडक्ट्स पे, आपको इंस्टेंट सेल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई एक सेल भी आ जाती है, आपके पास थोड़े $10-15 आ जाते हैं, तो आपने अपने स्टोर को मजीद बूस्ट करने के लिए आपने वही प्रमोट पे लगा देना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और यहाँ से अच्छा खासा मजीद प्रॉफिट आपने जनरेट करना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दिया करें, क्योंकि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारा पहला जो स्टेप होगा वो होगा जनरेट प्रॉम्प्ट फ्रॉम चैट जीपीटी। अब अगर आप मिड जर्नी को यूज करते हैं या ब्लू वेलो को यूज करते हैं, किसी भी एआई से कोई भी इमेज जनरेट करवाने के लिए आपको चाहिए होगा प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे एआई चैट जीपीटी, चैट जीपीटी में आपने AIPRM एक एक्सटेंशन होती है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब AIPRM क्या होता है, आपने गूगल में सर्च करना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। जैसे आप सर्च करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है। ये क्रोम की एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा चैट जीपीटी में। पहले आपको यहाँ पे मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर नजर आएगा। अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आता तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है मिड जर्नी, आपको ये नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपने मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कीवर्ड देना है, अब मुझे चाहिए टी शर्ट के डिजाइन। अब मैं कहता हूँ, हो सकता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मैं इसको कहता हूँ फायरी लोगो डिजाइन पर टी शर्ट्स, ये मैंने इसको कह दिया। आप अपने माइंड से जो भी आप सोचेंगे वो आप इसको बताएंगे तो आपको ये जनरेट करके देगा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैंने इसको ये कीवर्ड दे दिया, इसको यहाँ पे रन करना है हमने। ये हमें 4 प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा।
ये हमारे चार प्रॉम्प्ट जनरेट हो गए। दूसरा हमारा जो स्टेप होगा वो होगा जनरेट आर्ट फ्रॉम ब्लू वेलो। अब ब्लू वेलो क्या है? ब्लू वेलो है एक टूल, है एआई टूल, जिसकी मदद से आप आर्ट को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लू वेलो में अगर आप आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग किस तरह के डिजाइन यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। आपने यहाँ ज्वाइन सर्वर पे आना, आपने यहाँ डिस्कॉर्ड में पहले अकाउंट बना लेना है। डिस्कॉर्ड ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा से मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपने डिस्कॉर्ड में आ जाना है, यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करना है, दोबारा से ज्वाइन पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे डोंट हैव इनवाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लू वेलो। अब ब्लू वेलो सर्च करेंगे तो आपको ब्लू वेलो का ये फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा वेरीफाइड। आपने इसको क्लिक करना है और इसको कर लेना है ज्वाइन। ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। इसमें आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ साइड में ये रॉकीज अकाउंट मिलेंगे, ये वाले, इस पे आपने क्लिक करना है किसी एक में। या अगर आप मेरी तरह यहाँ पे, जिस तरह मैंने अपने सर्वर को बिल्कुल यूनिक बनाया हुआ है अलग से, यहाँ पे जो भी मैं जनरेट करूंगा वो जस्ट मुझे दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे एड सर्वर पे क्लिक करना है, क्रिएट माई ओन सर्वर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने फॉर मी माई फ्रेंड इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्वर का नाम रख के क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद इस तरह आपका सर्वर बन जाएगा, ये वाला जिस तरह मेरा सर्वर है ये बन जाएगा आपने सर्वर पे। उसके बाद आपने ब्लू विलो पे आ जाना है और यहाँ ब्लू विलो के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ ऐड टू सर्वर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना सर्वर सेलेक्ट करना है, मेरा जैसे ये दो बने हुए हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह आपका सर्वर में बन जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने जो ब्लू विलो में जनरेट करना था वो आप अपने प्राइवेट सर्वर में जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम ये होगा, हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने डिस्कॉर्ड में आ जाना है, दोबारा यहाँ पे आपने स्लैश इमेजिन टाइप करना है और यहाँ पे आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। थोड़ी देर में हमें यहाँ पे हमारे लोगो जो भी होंगे डिजाइन वो हमें मिल जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं ये हमें डिजाइन मिल चुके हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है, ये आपको डिजाइन पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब दूसरी बार इसने हमें ये जनरेट करके दे दिया, बहुत बहुत ही परफेक्ट। मैं कहता हूँ कि ये लोगो आपको लोग लाखों रुपए में बना कर देंगे, गोरे जो होते हैं ये डिजाइन। अब यहाँ पे तीसरा डिजाइन मुझे बहुत ही पसंद है, तो हमने यहाँ पे अपस्केल, ये आपको ऑलरेडी दोबारा मैं आपको बता दूं मैंने वैसे बनाया हुआ है। अगर आपको इस तरह के और वेरिएंट्स चाहिए तो आपने V3, क्योंकि ये एक दो तीन और ये चार, तो ये अगर मुझे तीसरे के मजीद वेरिएंट्स चाहिए तो मैंने V3 पे क्लिक करना है। अगर मुझे तीसरा ये बड़ा इमेज चाहिए तो मैंने U पे क्लिक करना है, अपस्केल पे। तो मुझे तीसरा लोगो पसंद है तो आपने यहाँ पे, आपको भी जो पसंद होगा आपने उस पर क्लिक करना है। अगर आपको चौथा पसंद है तो आपने U4 पे क्लिक करना है। मुझे तीसरा पसंद है, मैं U3 पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास तीसरा लोगो आ चुका है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करके इसको ओपन न्यू ब्राउजर में कर देना है। ये हमारा लोगो बन चुका है, आ चुका है। अब इसको राइट क्लिक करके हम सेव कर लेते हैं। अब दो तरह से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में अडोब फोटोशॉप है तो आपने अडोब फोटोशॉप ओपन करना है और ओपन पे क्लिक करना है, वो लोगो सेलेक्ट करना है जो कि हमने अभी बनाया है और यहाँ पे आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है रिमूव बैकग्राउंड का, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। दैट्स इट, इतना ही काम था। इसको हम सेव करते हैं, इसको आपने PNG में सेव करना है। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल है, तो आपने इस वेबसाइट में आ जाना है फोटोपिया में और यहाँ पे ओपन फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि मैं भी इस पे काम करता हूँ। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मैजिक इरेजर पे क्लिक करना है, ये साइड में आपको इरेजर मिल जाएगा, आपने यहाँ मैजिक इरेजर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसकी एक लेयर क्रिएट कर लेनी है, इस लेयर को यहाँ पे इसके नीचे रखना है। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने मैजिक इरेजर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यह सब कुछ रिमूव हो जाएगा और ये कोने में भी आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज है। आप इस कोने वाले को मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इरेजर टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे आप इस तरह से बाकी जो कोने में होगा उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा हो चुका है, आप यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं एक्सपोर्ट एज ए PNG और इसको आपने सेव कर देना है। ये हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद आपने चले जाना है इस वेबसाइट पे, इसका नाम है Teespring, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉग इन विद गूगल करना है, जस्ट इसका साइन अप करना, बस इतना इजी है कि आपने लॉग इन विद गूगल करना है, अपना अकाउंट जीमेल सेलेक्ट करना है और आपका अकाउंट बन गया।
जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जो भी अपनी डिटेल्स देनी है, जैसा कि यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, डिस्प्ले के नाम ऊपर क्या शो होना चाहिए वो आपने देना है, यहाँ पे आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है अपने कंट्री का, हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का टाइम कराची का होता है, आपका दिल्ली का होगा तो आपने यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है और अपडेट इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके पास पेपाल है तो आप अपना ईमेल दे सकते हैं, नहीं तो जब आपके पास फंड्स आ जाएंगे, आपकी सेल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको पेयोनियर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में आप जायज कैश इजी पैसा कहीं भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा जब आपके अकाउंट में फंड होगा। अब यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, जैसे आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे ये बेस्ट सेलर्स कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो चीजें सेल होती हैं वो ये हैं। हमने जो डिजाइन बनाया है ये शर्ट्स पे बहुत ही वीआईपी लगेगा, मग्स पे और जितनी भी चीजें हैं उन पे बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है, ये हमारे पास डिजाइन आ गया। यहाँ पे आपने एड इमेज पे क्लिक करना है और वो वाला लोगो सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एरिया भी बताएंगे कि इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसका साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब ये फ्रंट साइड पे, आप बैक साइड पे भी मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ एड इमेज पे क्लिक करेंगे और वो वाली इमेज हम अपलोड कर देंगे जो कि हमने अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे ये वाली, तो यहाँ पे आ गई। अब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे इसकी कंप्लीट जो प्राइस है वो है $43 और यहाँ से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो है $4। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जितनी इन्होंने प्राइस लगाई हुई है उतनी ही ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको कर देता हूँ $49, तो मुझे यहाँ पे इस प्रोडक्ट से $10 प्रॉफिट मिलेगा। अब ये हमने लोगो एक बार बनाया, अब एक शर्ट के लिए तो हमने नहीं बना रहे, उसके लिए आपने यहाँ एडवांस पे क्लिक करना है और फ्रंट एंड बैक साइड जो भी यहाँ पे सेलेक्ट होगी हम शो को क्या करवाना चाहते हैं, लोग अगर यहाँ परचेज करते हैं तो सामने कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मैं इस बैक साइड को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये चीजें आपके सामने साइड में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो सेल होने वाले प्रोडक्ट है वो यही है, ये हुडीज एंड टी शर्ट्स वगैरह सबसे ज्यादा सेल होती हैं, तो यहाँ से मैं 15 प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने मग को ज्यादा सेलेक्ट करना है और ये स्टीकर को ज्यादा सेलेक्ट करना है क्योंकि ये स्टीकर जो लोग ज्यादा बाय करते हैं और बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं, और ये हुडीज आपने सेलेक्ट करनी है, ये वाले टी शर्ट जो सबसे ज्यादा लोग परचेज करते हैं उनको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, एक आध आपने बैग को भी सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेल होते हैं, और ये कैप हो गई और ये वाला जो बैग होगा बैग पैक ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, आईफोन कवर लोग ज्यादा परचेज करते हैं ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जहाँ पे जो भी अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे वाइट स्लाइड्स पे करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये 15 मेरे प्रोडक्ट पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हमने एक लोगो बनाया और 15 जगह पे हमारा ये प्रोडक्ट परचेज यहाँ पे फिल हो गया। अब ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको हमने रिमूव यहाँ से कर देना है, अब बैक करके इसको रिमूव कर सकते हैं और बाकी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें चाहिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वो आपने किस तरह से जनरेट करनी है, चैट जीपीटी में आ जाना है या न्यू चैट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको कमांड देनी है। यहाँ पे मैंने इसको बोला आई हैव प्रोडक्ट टी शर्ट डिजाइन नेम विद फायरी लोगो, प्लीज गिव मी प्रोडक्ट टाइटल एंड 250 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे 250 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ही लगती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से यही बोला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें हमें लोगो, यहाँ पे हमें टी शर्ट का जो लोगो होगा वो हमें दे दिया प्रोडक्ट का। यहाँ से मैं इस लोगो को कॉपी करता हूँ, इसके टाइटल को यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ। अब ये ज्यादा है तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसका जो लोगो होगा वो बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपने यहाँ शॉर्ट सी रखनी है। यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब एडवांस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका जो URL है वो आपको मिल जाता है और बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपने लॉन्च लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। अब ये आप देख सकते
सकते हैं आपके सामने ये लिस्टिंग हमारी पब्लिक हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारी लिस्टिंग पब्लिक हो चुकी है। अब ये इसका शेयर यूआरएल है, अगर कोई भी इस यूआरएल पे क्लिक करता है या अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट देखेगा तो उसको हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है और ये इस तरह लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे अभी ये लोड नहीं हुआ। अब ये आप देख सकते हैं ये हमारा टी शर्ट इस तरह के लोगों को दिखाई देगी, इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है और लोग यहाँ से परचेज करेंगे। और ये जो आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है ये भी आप अपना बना सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे अपना कूपन कोड जनरेट कर लेना है। अगर आप लोगों को 10% ऑफ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने अपना कूपन कोड जनरेट करना है और यहाँ पे एक्टिवेट करना है, तो वो वाला कूपन कोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और बाय करते टाइम कोई भी अगर इसको यूज करता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस कम्प्लीटली ये था हमारा काम। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे भी सेल करना चाहते हैं इंस्टाग्राम शॉप पे, तो आपने यहाँ इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे ओनली फैंस पे तो आप नहीं कर सकते, फ्री वाले जो प्लेटफॉर्म में ये मेथड है या लिंक ट्री हो गया, आप यहाँ पे इनको कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं और इनको प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन फ्री में ये एक प्लेटफॉर्म है टीस्प्रिंग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अगर आप यहाँ स्टोर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ये स्टोर आ जाए। अगर आप इस स्टोर को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट स्टोर पे क्लिक करना है और इसको अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं, आपका मेरा स्टोर इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने स्टोर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आउट में क्लिक करके अगर आपने पेमेंट वगैरह लेनी है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अगर पेपाल है तो आपने वो देना है, नहीं तो पेयोनियर जब आपके फंड आ जाएंगे, प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेयोनियर का, जैज कैश इजी पैसा में आप ले सकते हैं। तीसरा हमारा यही काम था, टी स्प्रिंग पे आपने लिस्टिंग करनी थी, ये हमारा काम फाइनल हो गया। यही काम था, यही लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सर्विसेज भी लेते हैं, 50-50, 100-100 डॉलर लेके एक एक लोगो डिजाइन करवाते हैं, लेकिन मैंने आपको फ्री में लोगो डिजाइन करना सिखा दिया है। अब आपने रुकना नहीं है, आपने एक दिन में 20-20, 30-30 लोगो यहाँ पे जनरेट करके आपने यहाँ पे लिस्टिंग कर देनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं मुंह उठा के बैठा रहूंगा और बस एक लोगो बना के छोड़ दिया, कल मेरी न्यू वीडियो आ जाएगी और ये काम छोड़ के आप उसको शुरू हो जाएंगे, तो भैया इस तरह तो आप सारी जिंदगी लगे रहें, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ये काम पसंद आता है तो आपने इसी काम को पकड़ना है, इसके अलावा आपने और कोई भी काम नहीं करना, मेरी सजेशन है आपके लिए। अगर आपको इस तरह के मजीद वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी चीज सीखनी है तो यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी की यहाँ पे स्किल सीख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।